जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोट्रोनिक्स का सिंपली लाउड एंड क्लियर TWS ब्लूटूथ यानी कि पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। और यहां पर है ये स्पीकर जिसकी मैं अनबॉक्सिंग वीडियो में बना चुका हूं, क्या है खास, क्या है फीचर, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूं। बट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस स्पीकर को यूज़ करने के बाद। काफ़ी मंथ हो गए मेरे को इस स्पीकर को लिए हुए, और क्या मैं इसको सेटिस्फाइड हूँ लेने के बाद कि नहीं, आज इस वीडियो के अंदर मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ आखिर तक, क्योंकि मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं टेक क्लब ऑन यूट्यूब। चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ये है हमारे सामने पोट्रोनिक्स का ब्रीज 2 स्पीकर यानी कि ब्लूटूथ स्पीकर, और यहाँ पर हम इसे पोर्टेबल स्पीकर भी कह सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर पहले लुक की और बिल्ड क्वालिटी की। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही शानदार है, काफ़ी स्ट्रांग लगता है, टफ भी है, अच्छा लगेगा और रिच भी लगता है। बात करें यहाँ पे वेट की दोस्तों, तो वेट इसका ना तो ज़्यादा भारी है ना ज़्यादा कम है, लेकिन अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक इसको होल्ड करके रखते हैं हाथ पे तो आपको थोड़ा भारी लग सकता है, अदरवाइज यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे फीचर्स और फंक्शंस की दोस्तों, तो जितना आपको स्पीकर के अंदर फंक्शंस और फीचर्स देखने को मिल जाते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर दिए गए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ऑन और ऑफ का बटन दिया गया है फिजिकली, और उसके बाद आपको यहाँ पर कॉलिंग का ऑप्शन भी दिया गया है जहाँ पर आपकी बहुत ही अच्छी क्लैरिटी के साथ में कॉलिंग हो जाती है, यानी कि बात बात कर सकते हैं आप एक लाउड स्पीकर के ऊपर जैसे कि इस स्पीकर के ऊपर। साथ ही में यहाँ पर आपको प्ले पॉज का बटन दिया गया है, माइनस प्लस वॉल्यूम रॉकर जिसे हम कहते हैं। साथ में यहाँ पर एक अच्छी टेक्नोलॉजी ये है कि अगर आप इस स्पीकर के साथ कोई सेम स्पीकर ले लेते हैं तो आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं और आपका जो साउंड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकलेगा, यानी कि अच्छी क्वालिटी के साथ साउंड आएगा। और इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं ट्रू वायरलेस स्टीरियो के साथ में आता है, इस बॉक्स पे भी लिखा हुआ आता है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है दोस्तों TWS फंक्शन, जहां पर आप लेफ्ट और राइट के थ्रू, यानी कि लेफ्ट में ये रख लीजिए, दूसरा स्पीकर एक और ऐसा ले लीजिए, तो आपको जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस करके आएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है एक ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर। तो ये तो चलिए बात हो गई बिल्ड क्वालिटी, वेट की, और कैसा दिखता है ये, और फीचर्स और फंक्शंस क्या है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको और ऑप्शंस क्या मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसका कैप उतारते हैं दोस्तों ऐसे। तो सबसे अच्छी बात ये यहाँ पे कि आपको इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है, आई गेस आप लोग को दिख रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप कभी ब्लूटूथ से ना चला पाएँ, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ब्लूटूथ ना हो, और अगर आपके फ़ोन में 3.5 mm जैक वाला फ़ोन है आपके पास, तो आप वायर के थ्रू यानी कि ऑक्स के थ्रू इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि ऑक्स के यानी कि तार के थ्रू आप जितने भी स्पीकर चलाते हैं उनका साउंड और भी ज़्यादा अच्छा आता है अगर कंपेयर करें तो ब्लूटूथ से, क्योंकि वायरलेस और एक वायर का टेक्नोलॉजी जो है बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है। साथ में यहाँ पर आपको एक नॉर्मल चार्जर वाला पोर्ट मिल जाता है जहाँ पर आप इसे चार्ज कर सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर कमी लगी वो इसके अंदर वो थी रेडियो की, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज़ है अगर आपके पास माइक्रो SD कार्ड ना हो, आपके मोबाइल फ़ोन्स में सॉन्ग्स ना हो, तो आप रेडियो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप इसको कभी भी चला सकते हैं और कहीं भी साइड में रख के मस्त अपने माहौल को इन्जॉय कर सकते हैं। तो एक वो भी एक चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए थी जो कि मुझे नहीं दिखी। बात करें यहाँ पे वेट की दोस्तों, तो वेट थोड़ा इसका कम किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों क्या है कि ये जो स्पीकर है ये है पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, तो आप कभी भी ट्रैवल करते हैं तो आपके बैग के अंदर साइड होती है जहाँ पे एक स्पेस होता है, उसके अंदर आप इसे इंसर्ट करके वहाँ रख दीजिए तो आपको बिल्कुल भी भारी नहीं लगता है अगर आप ट्रैवल करते हैं ज़्यादा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही में यहाँ पर इसका वेट थोड़ा इसलिए ज़्यादा है कि उसकी बैटरी अच्छी है। तो बैटरी की बात करें दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज, तो 7 hours का बैकअप मिलता है आपको, 3 घंटा चार्ज करने के बाद 7 hours का बैकअप मिलता है। साउंड जो है 70% तक फुल आता है, उसके बाद डाउन हो जाता है। तो बैटरी की बात करें दोस्तों, तो मेरे हिसाब से अभी 12 से 18 घंटों की भी बैटरी बैकअप मिल रहे हैं स्पीकर के अंदर। तो आने वाले टाइम पे कंपनी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसे स्पीकर्स अगर बनाते हैं इतने शानदार तो उसमें बैटरी भी थोड़ी और अच्छी दीजिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग वक्त चार्ज करके छोड़ देते हैं, उनको यूज़ नहीं करना होता है, फिर याद आता है उनको कि चलो आज स्पीकर पड़ा यूज़ कर लेते हैं, तो वो बैटरी पड़े पड़े भी ड्रेन होने लग जाती है। बट इसके अंदर मैंने ज़्यादा ड्रेन होती हुई नहीं देखी, बट हाँ जब आप अगर इसको फुल चार्ज कर लेते हैं और अगर आप इसको चार्ज करने के बाद भूल जाते हैं, नहीं चलाते हैं और उसको थोड़े दिन बाद चलाते हैं, तो इतना तो है कि आप 5 से 6 गाने तो एटलीस्ट प्ले कर सकते हैं आफ्टर आपके इसके चार्ज करने के बाद, अगर आपने इसको इंस्टेंट यूज़ नहीं किया। तो ये एक चीज़ आपको है
तो बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर बैटरी बढ़ानी चाहिए कंपनी को मेरे हिसाब से। अब बात कर लेते हैं साउंड की, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। तो दोस्तों पोर्टोनिक्स को मैं हैट्स ऑफ कहूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने वो जितने भी ब्रांड्स हैं सबके म्यूज़िक सुने हैं, ठीक है, सबकी क्वालिटी मैंने देखी है, बहुत अच्छी है। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग सबकी क्वालिटी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वैसे ही पोर्टोनिक्स का भी है। इस प्राइस रेंज के, यानी कि मैंने ये 2499 समथिंग का ख़रीदा था उस टाइम पे, आज भी मुझे काफ़ी वर्थ वाला लगता है। अगर हम बात करें इससे ऊपर वाली कंपनीज़ की, तो आपको मालूम है 3500 में, 3800 में, 4000 रेंज में काफ़ी अदर ब्रांड्स आते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं, अच्छा साउंड देते हैं, हमको काफ़ी अच्छा लगता है। बट अगर मेरा बजट 2500 रुपये तक का है और मुझे सारे फंक्शंस चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट पोर्टोनिक्स को करूँगा। ये मेरा एक ओपिनियन है जहाँ पर मैंने जितना इसे यूज़ किया है। तो अब आपको मैं थोड़ा एक सैम्पल साउंड का भी दिखा देता हूँ कि कैसा आता है साउंड। तो दोस्तों ब्लूटूथ फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, अब चलाते हैं म्यूज़िक और सुनाते हैं आपको यहाँ पर एक आउटपुट। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं हम यहाँ से। ये वॉल्यूम फुल है। सो दोस्तों आपने देखा, ये था साउंड आपके सामने, काफी क्लियर साउंड सुनाई देता है, बेस काफी अच्छा है, बहुत ही स्टेबल है। एक ऐसे पोर्टेबल साइज के स्पीकर के हिसाब से यहां पर आपको 20 वॉट का सुपर साउंड देखने को मिलता है। जी हाँ, 20 वॉट्स का है। कभी भी आप स्पीकर्स परचेस करते हैं तो वॉट्स जरूर देख लीजिए दोस्तों, साइज आपको बिल्कुल ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन वॉट्स का होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी आपको 16 वॉट वाला भी मिल सकता है, कहीं 15 भी मिल सकता है, कहीं आपको 10 मिल सकता है। मुझे 20 वॉट वाला मिल रहा था जब ये, तब मैंने इसे परचेस किया, क्योंकि इसका जो साउंड आता है 20 वॉट के हिसाब से जो आउटपुट है इसका, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो मेरे हिसाब से साउंड क्वालिटी के वाइज के हिसाब से तो ये एक नंबर है। और आपको यहाँ पे 2000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है, तो 7 घंटे का बैटरी बैकअप भी आपको इजीली मिल जाता है। बाकी चीज़ दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर लाइट्स काफ़ी अच्छी दी गई है, 7 तरीके के कलर्स इसमें चेंज होते हैं। आप देखेंगे तो ये ब्लू हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, रेड हो जाता है, और अगर आप पीछे देख रहे होंगे तो मेरे भी कलर सिंक कर रहा है इसके साथ थोड़ा बहुत। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, अगर अंधेरे में आप इसे यूज़ करते हैं तो बहुत ही मस्त लगता है, मतलब आपको एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको साउंड चलते हुए, और लाइट भी डिम डिम चलती रहती है इसके अंदर अच्छी तरीके से, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा इस प्राइस रेंज के अंदर। मेरे हिसाब से अभी तक ऐसी लाइट्स वगैरह कोई नहीं दे रहा है, और अगर कोई ब्रांड दे रहा हो तो वो सेल में दे सकती है, लेकिन इस प्राइस रेंज के तो अभी तक मैंने नहीं देखा है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, क्या चीज़ इसके अंदर और अच्छी हो सकती थी। तो जैसे कि यहाँ पर आपको IPX4 देखने को मिलता है, वाटर रेसिस्टेंट तो है। यहाँ पर मैंने पानी डाल डाल के इसके ऊपर चलाया काफ़ी, तो कोई इशू भी नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट मैं बिलीव करता हूँ कि IPS5 या IPS6 भी होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है थोड़ी प्राइस रेंज ऊपर बढ़ जाएगी, बट आपको अकॉर्डिंग टू द बजट आपको वो भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आपके सामने पोर्टोनिक्स का स्पीकर, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा प्राइस वाइज भी और फीचर्स वाइज भी। बस कमी जो लगी मैंने आपको जैसा कि बताया कि IPX4 देखने को मिलता है और ब्लूटूथ आपको कम मिलता है अभी के कंपैरिजन में, क्योंकि 5 पॉइंट की सीरीज़ आ चुकी है, तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ की भी ज़रूरत है एडवांस की। और दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको बैटरी और भी ज़्यादा अच्छी चाहिए अगर हम अदर कंपनी से कंपेयर करें तो। तो यही कुछ चीज़ें थी मेरी यहाँ पर जो मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया मेरा, ये था मेरा रिव्यू। आपको कैसा लगता है ये स्पीकर, क्या आप भी इसे परचेस करेंगे इस प्राइस रेंज के अंदर, मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चाहे तो आप वहां जाकर भी इसे परचेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फ्रॉम टेक क्लब, टेक केयर, वंदे मातरम।